हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आपने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, है ना? तो अब हम उसका रिवीजन करेंगे। एंड आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर। ओके, आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से वीडियो देख के आंसर वहीं पे अपना बोल सकते हो, है ना? ओके, बिफोर मी। ठीक है, चलिए तो हम पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री द 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड। इन 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इन विच कंट्री? टेल टेल, यस यू हैव टू स्पीक। इट्स कतर। कतर इज इन दोहा। ओके, सो इट विल हेल्ड इन कतर। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया परचेज्ड रफाल फाइटर जेट्स? फ्रॉम विच कंट्री? अभी अभी खरीदे हैं ना रफाल फाइटर जेट्स, किस कंट्री से खरीदे हैं हमने? इट्स फ्रांस। यस, फ्रांस से खरीदे हैं हमने। ओके, नेक्स्ट इज विच ऐप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पॉन्स टू COVID-19 पैंडमिक? COVID-19 की वजह से एक नया ऐप आया था ना। इनफैक्ट है अभी भी वो हमारे मोबाइल्स में। विच इज दैट ऐप? इट इज आरोग्य सेतु। यस, ओके। अभी आपको अगर आप एयरपोर्ट पे भी जाओगे ना कहीं जाने के लिए, तो दे विल आस्क यू शो योर आरोग्य सेतु। अगर वो सेफ बताता है ना, तभी आपको अलाउ करते हैं टू गो। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट इज विच सिटीज विल बी डेवलप्ड अ स्मार्ट सिटीज इन लद्दाख? लद्दाख अभी अभी न्यू यूनियन टेरिटरी बना है ना? तो उसके अंदर कौन सी सिटीज हैं जिनको स्मार्ट सिटीज की तरह डेवलप किया जाएगा? दे आर यस टेल, दे आर लेह एंड कारगिल। ओके, नेक्स्ट इज इन विच हिल स्टेशन 77 न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई हैज बीन फाउंड? ओ, सो न्यू स्पीशीज हैव बीन फाउंड ऑफ बटरफ्लाई, जो पहले नहीं पता थी किसी को। यू नो दैट इट इज माथेरान। इट इज अ हिल स्टेशन नियर मुंबई। ओके, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। ओके, नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंडर इन चंद्रयान 2? चंद्रयान 2 गया था ना हमारा, उसमें लैंडर का क्या नाम था? लैंडर क्या होता है? द मशीन विच विल गो ऑन द प्लैनेट, जो मतलब अपने स्पेसशिप से निकल के प्लैनेट पे जाती है और फिर वो एसेस करती है, वहां से पिक्चर्स क्लिक करके भेजती है ना? तो वो कौन है, क्या नाम है उसका? इट इज विक्रम। इट्स नेम इज विक्रम। ओके, विच स्टेट इन इंडिया हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी इन एवरी हाउस? देर इज ए स्टेट जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत कंपल्सरी कर दिया है। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है जो रेन वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड इट गोज डायरेक्टली इन टू द ग्राउंड, सीधा अर्थ में चला जाता है। तो उससे हमारी अर्थ का वाटर लेवल बढ़ सकता है ना? जो अभी बहुत डाउन जा रहा है ना, बोरिंग्स वगैरह में पानी नहीं आता है। तो दीज ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये एक स्टेट है, इसने कंपल्सरी कर दिया है, हर हाउस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना ही पड़ेगा। इट इज तमिलनाडु। ओके, इट्स वेरी गुड, ये होना चाहिए, है ना? नाउ विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जी? ओके, सो दिस यूनियन टेरिटरी इज रनिंग 100% ऑन सोलर एनर्जी। इट इज वेरी गुड। सोलर एनर्जी इज अबंडेंट इन एटमोसफेयर, है ना? कितनी ज्यादा है, सन तो रोज ही आता है। अभी आजकल थोड़ी बारिश हो रही है तो बात अलग है ना? तो इट इज ड्यू, इट इज ड्यू। ओके, एंड हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय? गवर्नर ऑफ मेघालय रिसेंटली अपॉइंटेड इज सत्यपाल मलिक। ओके, एंड ही अपॉइंटेड ऑन 18 अगस्त 2020। ओके, एंड विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी एज अ स्ट्रैंडेड शिप स्पिल्ड ऑयल इन टू द ओशन? आपने न्यूज में देखा होगा कि ऑयल स्पिल हो गया था ओशन में, है ना? तो
तो उन्होंने स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी थी. इट इज आइलैंड्स ऑफ मॉरिशियस इंडियन ओशन में. ओके एंड विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली फ्रॉम इंडियन क्रिकेट टीम. अभी रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है उन्होंने एंड ही इज महेंद्र सिंह धोनी. आई थिंक यू ऑल लाइक हिम, है ना. एंड नेक्स्ट इज दिस इज आवर फेवरेट. विच सिटी रिसीव द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अवार्ड फॉर द फोर्थ टाइम इन अ रो. इट इज, ये तो सबको पता होगा, है ना, इंदौर ऑफकोर्स. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल आर एफर्ट्स, है ना. हम लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं क्लीनलीनेस का, दैट्स वाई. एंड वी शुड कंटिन्यू, है ना, हमें कंटिन्यू करना चाहिए. ओके चिल्ड्रेन, तो आज हमने रिविजन किया अपने करंट अफेयर क्वेश्चंस का. आई होप आपको और अच्छे से सब याद हो गए होंगे. ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.